सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशन पर उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में मदरसों के सर्वे को लेकर 11 बिंदुओं की जांच करने का आदेश आला अधिकारियों को दिए गए थे। गुरुवार यानी 20 अक्टूबर को यूपी के सभी मदरसों का सर्वे पूर्ण हो चुका है। मुजफ्फरनगर में भी जिला अल्पसंख्यक समाज कल्याण अधिकारी मैत्री रस्तोगी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ साथ जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा जनपद के सभी मदरसों का सर्वे किया गया, जिसमें 238 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले। जिला अल्पसंख्यक समाज कल्याण अधिकारी मैत्री रस्तोगी ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन के आदेश पर मुजफ्फरनगर में सभी 352 मदरसों का सर्वे किया गया था, जिसमें 238 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए और 114 मान्यता प्राप्त मदरसे जनपद में सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं। शासन के आदेश पर हमने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की 11 बिंदुओं पर जांच की। आज सभी मदरसों का सर्वे संपन्न हो गया है। तो ये सर्वे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का ही था। इसमें हमारी जनपद में 238 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए हैं। किन किन बिंदुओं पे जांच हुई? ये 11 बिंदु थे जो शासन से ही हमें दिए गए थे। इसमें मदरसों का नाम, वहाँ कितने छात्र पढ़ रहे हैं, कितने शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनका क्या आय का स्रोत है, वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, इन सब बिंदुओं पे हमने ध्यान दिया। तो जांच में क्या पाया गया? जांच में यही पाया गया कि ज़्यादातर मदरसों में फर्नीचर कम है, कुछ अपंजीकृत भी थे मदरसे, और बाकी हमारी रिपोर्ट हम शासन को समय के अनुसार सबमिट कर देंगे। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ने बताया कि मदरसों के सर्वे की आख्या शासन को भेज दी गई है। सर्वे के दौरान गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में कई तरह की खामियां पाई गई हैं, जैसे मदरसों में फर्नीचर, खाना आदि शामिल है।